काफी अच्छी गेंद, पहली गेंद काफी अच्छी थी, टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई और ये वाइड बॉल। अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा शॉट और ये उतनी अच्छी फील्डिंग, तो पहले विकेट का पतन रजी का, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर और ये आउट हो चुके हैं। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं मुदस्सिर, उमर का सामना करेंगे। टाइमर ऑन है, ज्यादा टाइम ना ले, टाइमर ऑन है। इसी बीच उमर अपने ओवर की अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद और एक बहुत अच्छी फुल लेंथ डिलीवरी। पैर रखा है, पैर रखा है, पैर रखा है, पैर रखा है, पैर रखा है। बहुत अच्छी गेंद, जितनी तारीफ करनी जाए उतनी कम है ये उमर की। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार बीट करा रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। उमर प्रेशर में ला दिया है बल्लेबाजों को और ये वाइट बॉल का इशारा। पहले ही समझ गए थे कि या तो रिवर्स स्वीप खेलेंगे। इसी बीच ओवर की अगली गेंद और ये चार रन चला गया, मिस फील्ड वहां पर आकिब की, अच्छी कोशिश थी रोकने की। एक बार फिर उमर राइट आर्म राउंड, सामना करेंगे मुदस्सिर, शानदार शॉट 6 रनों के लिए। तो जो प्रेशर बनाया था उमर ने आखिरी के 2 गेंदों पे, उस प्रेशर को खत्म किया, स्कोर जा पहुंचा है पहले ओवर की समाप्ति पर 12। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12, पहले 4 गेंदों पर काफी प्रेशर बनाया था, 1 विकेट लेके मात्र 2 रन दिया था और अब आखिरी की 2 गेंद पर 10 रन दे दिया है और स्कोर जा पहुंचा है 12। तो माविया सामना करेंगे बल्लेबाजी में, जो कि गेंदबाजी में काफी अच्छी चाल चल चल के अच्छे अच्छे विकेटों को हासिल किया है माविया ने। देखना है कि बल्लेबाजी में क्या कमाल दिखा पाते हैं माविया। बॉलर फारूक, फारूक ना बॉलर फारूक, एक ले आगे उमर, उमर पर फिलहाल तो सुधरो ना, पैर एक रोक के गए थे, फिर इधर करते क्या, चल फारूक। इसी बीच शानदार गेंद थी लेकिन उतना अच्छा शॉट, जब तक गेंद को फील्ड की जाती 1 रन आसानी से हासिल कर लिया। अब मुदस्सिर सामना करेंगे फारूक का, रन संख्या बढ़ती हुई 13 इस 1 रन के साथ। फील्डिंग परिवर्तन में काफी समय लेते हुए टाइमर ऑन है, ध्यान दे आपका पेनल्टी लग सकता है। तो मुदस्सिर सामना करेंगे अब फारूक का और ये वाइड बॉल। ओ
ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर की अगली गेंद फारूक की और ये पहले ही ये वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल। कैच लेने की पूरी कोशिश की थी, सामने से हट जाए, कैमरे के पास से बल्ला हट जाए, वहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां से दोनों जितने और सीढ़ी पे रजी जो खड़े वो भी हट जाए, सामने खड़े एकदम। इसी बीच फारूक ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड और ये माविया रन आउट होते होते बचे। रन आउट हो सकते थे माविया लेकिन बच गए। इसी बीच ये ओवर की अगली गेंद चार गेंदे हो चुकी है इस ओवर में, स्कोर हो चुका है 17, बल्ले से ज्यादा रन नहीं आया है, अतिरिक्त रन ज्यादा आया इस ओवर में। देखना है फारूक अपनी टीम को कोई सफलता दिला पाते हैं या नहीं। काफी समय ले रहे हैं इस ओवर के लिए, ओवर की अगली गेंद एक बॉल बाकी है। फारूक की अगली गेंद नट आउट का इशारा। तो ओवर की समाप्ति हो गई है, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19। अठारह रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। टाइमर चालू है, आप लोग जितना टाइम लेंगे आपके लिए नुकसानदेह है, टाइमर ऑन है। बॉलर का नाम क्या? सैफ, नए गेंदबाज, राइट आर्म राउंड, बॉलिंग करेंगे माविया को और ये आगे बढ़ के 6 रन के लिए मार दिया है माविया ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन जब तक गेंद वापस करते माविया अपने क्रीज में मौजूद। इसी बीच ओवर की अगली गेंद और ये वाइड बॉल, प्रेशर में आ चुके हैं गेंदबाज पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद।
कोई भी गेंदबाज को पहली बॉल पे सिक्स पड़ जाएगा अच्छा खासा प्रेशर में, और ये देखना है आउट होता है कि नहीं। जी हाँ, डायरेक्ट हाथों में दे दिया और इसी के साथ आउट। नए बल्लेबाज आए मोहम्मद, तो माविया के आउट होने के बाद आए मोहम्मद। मोहम्मद जो कि अब तक मैन ऑफ द मैच हासिल कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, सामना करेंगे सैफ का। और ये पहली गेंद पर आके अपने इरादे साफ कर दिए हैं 6 रन के लिए। आसान सी गेंद थी, सामने टप्पा खाकर अंदर लाने की कोशिश मोहम्मद ने पूरी तरह से पढ़ लिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेल दिया 6 रनों के लिए। ओवर की अगली गेंद और ये क्लीन बॉल, इस बार अपनी गेंद में कामयाबी। जिस तरह माविया अपनी चाल में कामयाब होते गेंदबाजी में, उसी तरह सैफ ने अपना काम किया। इस बार पहली लूज डिलीवरी दी, छक्का मारने दिया और उसके बाद अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो विकेट का पतन मोहम्मद पवेलियन के बाहर जाते हुए। इसी बीच सैफ ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल कर लिए है। मुदस्सिर का साथ देने के लिए आए नए बल्लेबाज रोशन।
तो अंपायर अपना स्थान ले ले, अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान के बाहर चले जाए, मैच स्टार्ट किया जाए। स्कोर इकतीस रन हो चुके हैं अब तक। लास्ट बॉल है ये, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 31 रन हो चुके हैं। दिखा मैं और ये बहुत अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति हो गई है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 31। नए गेंदबाज तो साथ आए हैं, नए गेंदबाज सामना करेंगे मुदस्सिर, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी की अब तक पूरे टूर्नामेंट में, दो दो मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं साथ। राइट हम राउंड, और ये अच्छी गेंद, उतनी अच्छी गेंदबाजी का, उतना अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर आसिफ लाडो की, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद को रोक दिया है, एक ही रन मिला। इसी बीच ओवर की अगली गेंद साथ, इस बार सामना करेंगे रोशन, और ये अच्छी गेंद थी, पहले पढ़ लिया, स्लो बॉल थी, डीप मिड विकेट की तरफ खेल के हासिल कर लिया है चार रन। एक बार फिर, और ये शानदार शॉट, काफी लूज डिलीवरी डाल रहे हैं, सामने टप्पा खिलाकर बाहर निकालने की कोशिश, रोशन पूरी तरह से पढ़ रहे गेंद को, टाइमर रोक दिया जाए। तब तक दूसरा बॉल लेके स्टार्ट कर दिया जाए, अंपायर हफीज भाई दूसरा बॉल लेके स्टार्ट कर दिया जाए, बल्लेबाज अपनी जगह पर आ जाए, फील्डिंग प्लेसमेंट लगा दे, मैनेजमेंट निकाल लेगा बॉल, लाडो मैच स्टार्ट करे, मैच स्टार्ट करे, बॉल निकल जाएगा, एक छोटे से बॉल के लिए अपनी जान ना दे। साथ इसी बीच ओवर की अपनी अगली गेंद, सामना करेंगे रोशन, दो गेंदों में 10 रन हासिल कर लिया है। एक बार फिर, और ये चार रन, तीन गेंदों पर 14 रन हासिल कर चुके हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, इस बार तो इसे एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47। और ये गुगली डाली थी, लेकिन हाथ पे लग के गेंद चली गई बाउंड्री के पार 6 रन के लिए, तो मुदस्सर को छक्का मिला, इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 53। देखना है इससे आप अपने ओवर में कितना रन दे पाते हैं या रोक पाते हैं, या कैपिटल किंग्स इस ओवर में कितने रन बटोर पाती है अपनी टीम के लिए।
क्रॉसिंग इश्तियाक राइट आर्म राउंड बॉलिंग करेंगे रोशन को। और ये पहली गेंद पर इश्तियाक ने विकेट हासिल कर लिया अपनी टीम के लिए। काफी चतुराई भरी गेंद, गेंद को ज्यादा फ्लाइट नहीं दिया, लो बॉल थी। नए बल्लेबाज आए हैं अरवाज, सामना करेंगे इश्तियाक का। और ये बहुत अच्छी गेंद, इश्तियाक अपने पूरे लय में आ चुके हैं, पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। काफी अच्छी गेंद, दो बॉल दो डॉट जिसमें एक विकेट आया है। ओवर की अगली गेंद, और ये कैच हो सकती थी और ये फारूक मिस कर गए, ये रन आउट हो सकता था। पसा नहीं। तो ये कोई रन नहीं, तीन लगातार डॉट डाल चुके हैं इश्तियाक। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी इश्तियाक की। और ये नींबू पिराने की कोशिश नाकाम। इसी बीच एक बार फिर इश्तियाक राइट आर्म राउंड, और इस बार एक रन हो जाएगा, ये भी विकेट हो सकता था। तो अपनी चार गेंदों पे मात्र एक रन दिया है, रन स्कोर जा पहुंचा है 54। इश्तियाक ओवर की अगली गेंद मुदस्सिर के लिए, बहुत अच्छी बॉल थी, रन नहीं लिया। आखिरी गेंद का सामना खुद ही करेंगे, बहुत अच्छा है, गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है इश्तियाक का। देखना है आखिरी गेंद पे क्या कुछ बटोर पाते हैं मुदस्सिर, या इश्तियाक क्या कमाल दिखा पाते हैं, उसी तरह से ओवर समाप्त कर पाते हैं या नहीं। और इसी तरह से समाप्त किया, मात्र दो रन का ये लास्ट ओवर, काफी अच्छी गेंदबाजी, 55 रन कुल बनाए हैं कैपिटल किंग्स ने। तो ये टॉस ग्लेडिएटर वर्सेस हेड टॉस जीतकर हबीब ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 56 रन का टारगेट रखा है ग्लेडिएटर्स के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी इश्तियाक की, काफी अच्छी गेंदबाजी की।
अभी स्कोर हो चुका है, मैच स्टार्ट किया जाए, 55 रन हो चुके हैं, 56 का टारगेट है, मैच स्टार्ट करें, अपील होने के बाद डिसीजन होता है, बिना अपील के अंपायर क्यों डिसीजन देगा? आकिब पठान अगर मेरी आवाज सुन रहे तो साउथ भाई को कांटेक्ट करें, आकिब पठान अंदर आ जाए। इसी बीच हमारे अकबर भाई आ चुके हैं, आकिब पठान का मैन ऑफ द मैच, वो आके कलेक्ट कर ले। आकिब पठान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आकिब अपना मैन ऑफ द मैच ले ले आके। आकिब आके अपना मैन ऑफ द मैच ले ले। वाला चालू है तो ये मैन ऑफ द मैच आकिब को जोरदार तालियों से उनका स्वागत, बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये मैन ऑफ द मैच तो 56 रन के लक्ष्य का सामना करने के लिए उतरी है ग्लैडिएटर की टीम। टाइमर फिर से स्टार्ट किया जाए, 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट किया जाए, नया टाइमर, टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए, नया टाइमर। और एक बार फिर माविया पहला ओवर लेकर आए हैं। तो माविया उमर को नो बॉल, बैठ बैठ मैं जा रहा हूं, मैं अंपायर बना हूं, बैठ 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 मैं कमेंट्री करता हूं। तो पहली गेंद नो बॉल का इशारा, अच्छी गेंद माविया की है उमर को। एक बार फिर माविया बॉलिंग करेंगे उमर को। और ये अगर डायरेक्ट हिट लगता तो क्लोज हो सकता था। अब फारूक सामना करेंगे माविया का। माविया काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, अपनी चालों में बल्लेबाज को फंसाते हैं, कभी अतिरिक्त रन देके, कभी बाउंड्रीज वाली बॉल डाल के, और उसके बाद उनका विकेट छटका लेते हैं। देखना है इस बार अपनी चाल में कामयाब होते हैं कि नहीं माविया। काफी माव्याई चाल उनके पास है। एक बार फिर राइट आर्म राउंड सामना करेंगे फारूक, काफी क्लोजिंग फील्डर्स लगाए हैं फारूक के लिए। और ये लगभग कैच तक पहुंच चुके थे, अच्छी कोशिश थी। ओवर की अगली गेंद बॉल नहीं लगा स्टंप पर, अच्छी कोशिश थी।
ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे फारूक। नो बॉल का इशारा, तो ये फ्री हिट। शानदार शॉट, चार रनों के लिए ये फारूक का। ओवर की अगली गेंद, काफी अच्छा स्ट्रोक वहां पे फारूक का, चार रन के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर में ही 13 रन बटोर लिए हैं ग्लैडिएटर्स ने। नए गेंदबाज आए रजी, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाज द्वारा देखने को मिल रही है यहां पर। फारूक सारा दारोमदार अपने कंधे पर लेके बल्लेबाजी करते हैं और रिवर्स शॉट, चार रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। कैच करने के लिए लपके रजी लेकिन पहुंच नहीं पाए, अच्छी कोशिश थी। चार गेंदे हो चुकी है इस ओवर में, रन संख्या जा पहुंची 19। शानदार शॉट 6 रन के लिए, उम्र के बेहतरीन शॉट से 6 रन मिला है। स्कोर जा पहुंचा है 25, जबकि अभी दूसरा ओवर चल रहा है। 56 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। शानदार शॉट और ये कैच छूट गया, ये कैच छूटा है, ये मैच छूटा है, ये बाद में मालूम पड़ेगा। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो गई है, दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 26 बिना किसी नुकसान के। 18 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। फारूक और उमर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हुए कि कितना रन बनाना है, कितने ओवर में किस बॉलर को टारगेट करना है जिसमें ज्यादा आ सकते हैं, किस बॉलर को डिफेंस करके खेलना है ताकि विकेट ना जाए। और नए गेंदबाज उस्मान बॉलिंग करेंगे उमर को। तो ये उस्मान बॉलिंग करेंगे उमर को, जबकि फील्डिंग पे माविया पूरी तरह से तैयार। और ये कॉटन बॉल करने की कोशिश की थी लेकिन पहुंच नहीं पाए उस्मान ने उमर को आउट करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब। ओवर की अगली गेंद और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा।
शानदार शॉट, लेकिन वहां पर कैच थमा बैठे वहां पर बाउंड्री पर। लंबी हाइट का पूरा फायदा उठाया वहां पर फील्डर ने, कैच लपक लिया। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ। तो अब नए बल्लेबाज आए, आकिब सामना करेंगे उस्मान का। शानदार शॉट लपेट के मारा, जब तक गेंदबाज को समझ आता कोच बॉल बाउंड्री पे लग के भी वापस आ चुकी थी। पलक झपकते गेंद बाउंड्री पे गई, किसी को हिलने तक का मौका नहीं दिया आकिब ने। एक बार फिर सामना करेंगे उस्मान का आकिब, और अच्छी फील्डिंग वहां पर, देखना एक रन मिलेगा या दो, माते एक रन से संतुष्ट। शानदार शॉट और ये 6 रन पूरी स्ट्रेच की थी वहां पर क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन नहीं पहुंच पाए। काफी ऊंचा शॉट था उमर का, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं उमर। जिस तरह विपक्षी टीम कैपिटल किंग्स में माविया अच्छे गेंदबाज है, उसी तरह से ये उमर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और ये आउट। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद है स्कोर 39, 39 रन, दूसरा विकेट गिरा है उमर के रूप में। देखना है कौन आता है नए बल्लेबाज, लाडो, हम सबके चाहते हैं यूसुफ लाडो। बारह गेंदों में अब 17 रनों की आवश्यकता, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। नए गेंदबाज आए मुदस्सिर, किसको लटकाएगा माविया। इसी बीच मुदस्सिर राइट आर्म राउंड सामना करेंगे आकिब। 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, और ये काफी अच्छी गेंद टप्पा खाकर बाहर निकली। आकिब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंदर आएगी, बीट हुए वहां पर, एक और बीट। माविया गेंद को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब 10 गेंदों पे 17 रन, और ये बल्ले से बता दिया आकिब ने वो कितना डर रहे हैं। इससे अच्छा जवाब कोई बल्लेबाज अपने बल्ले से नहीं दे सकता। अब 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, 9 बॉल 11 रन। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल के 1 रन पूरा किया आकिब ने। अब 8 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अगर इस 2 गेंदों में 1 बाउंड्री ले लेते हैं तो काफी आसान हो जाएगा लक्ष्य। कीपर चेंज करके रजिया है, माविया को भेजा है शॉर्ट मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर। सीबी चोवर की अगली गेंद, शानदार शॉट, लेकिन ये हाथों में दे बैठे लाडू। कोई आवश्यकता नहीं थी छक्का मारने की, सिंगल्स लेकर ये मैच जीता जा सकता था। तो अब 7 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए।
काफी अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर की, अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन दिया उन्होंने। नए बल्लेबाज आए हैं सैफ, कोई आवश्यकता नहीं अतिरिक्त रिस्क लेने की, 7 गेंदों में मात्र 10 रनों की आवश्यकता है, सिंगल डबल भी ले सकते हैं वो। और ये वाइड बॉल, अतिरिक्त भी उनके साथ है तो इसलिए रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं इस मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदों में 9, वाइड बॉल का इशारा एक बार फिर अंपायर का, तो अब 7 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता, अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सात गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। शानदार शॉट 6 रन के लिए, तो अब एक ओवर में मात्र 2 रनों की आवश्यकता। जितना अच्छा ओवर था आखिरी गेंद पर उसको उतना ही खराब कर दिया सैफ ने, तो शायद ये चैलेंजिंग ओवर लिया है कैपिटा किंग्स ने। देखना है हफीज भाई का क्या इशारा है, ये चैलेंजिंग ओवर है या क्या है। बॉलर नेम प्लीज, उमेद। एक रिस्क लिया है, जब देखा कि 2 ही रन बचे हैं तो चैलेंजिंग ओवर है। छह गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता, इस ओवर में अगर विकेट आता है तो ओवर वहीं समाप्त हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ये पहली लॉस डिलीवरी का फायदा उठाया आकिब ने और ये मैच जीत लिया है।